मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेजर क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे लिप्स के बारे में। जो आपके लिप्स हैं, दे आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी इररेगुलर साइज होता है, बम्पीनेस होती है, लंप्स होते हैं या कुछ ट्यूमर्स होते हैं, या साइज एक्सेसिवली छोटा होता है या एक्सेसिवली बड़ा होता है, या प्रीवियस सर्जरी की वजह से कुछ स्कार्स हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हो एंड फिर उसको ट्रीट किया जाता है। नॉर्मली जो इररेगुलरिटीज़ है उनको करेक्ट कर सकते हैं, स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर लंपीनेस है उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो साइज बहुत छोटे हैं लिप्स, उन्हें बड़ा कराया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लिप ऑगमेंटेशन। और जिनको बहुत बड़े हैं उन्हें छोटा किया जाता है। अब बड़े और छोटे डिसाइड कौन करेगा? इसमें जो गोल्डन प्रपोर्शंस ऑफ फेस है, एस्थेटिकली प्लीजिंग लिप्स होने चाहिए। 1:1.618 जो गोल्डन प्रपोर्शन है वो लिप्स पे भी लागू होता है, अपर टू लोअर लिप पे। सो उन प्रपोर्शन को मेंटेन करते हुए लिप्स के साइज को इम्प्रूव किया जाता है। तो अगर हम लिप रिडक्शन सर्जरी की बात करें, तो लिप रिडक्शन सर्जरी तब की जाती है जब लिप एक्सेसिवली बड़ा साइज का हो और कुछ उसमें ट्यूमर या कुछ और प्रॉब्लम्स हो। तो जब छोटा किया जाता है तो आप पूछेंगे उसका स्कार कहाँ आएगा? स्कार बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। जहाँ पे आपके ड्राई और वेट म्यूकोजा है लिप में, वो लाइन जहाँ है वहाँ पे एक स्कार आता है जो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। थोड़े दिनों तक वो स्वेलिंग रहती है ऑपरेशन के बाद में भी, और धीरे धीरे अराउंड 6 वीक्स में वो स्वेलिंग कम होती है 80%, और फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। जो फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स या रीजंस व्हेन यू गो टू अ सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, कि आपको कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, देन आपका वेदर यू आर हेल्दी, यू आर इन अ गुड हेल्थ, कुछ मेडिकल रीजंस तो नहीं है, वेदर यू आर स्मोकर और नॉट, आपको स्मोकिंग बंद करनी होगी आपके स्कार्स और अच्छे हीलिंग के लिए, अच्छे स्कार्स के लिए, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके सर्जन के साथ मिलकर डिस्कस करना है कि आपको क्या चाहिए, और सर्जन फिर आपको बताएंगे कि वो कितना आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट सर्जरी पीरियड में आपको कुछ दिन लिक्विड डाइट पे, सॉफ्ट डाइट पे रहना है और अपना हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक्स और पेन किलर, स्वेलिंग रिड्यूसिंग मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको लिप रिडक्शन या ऑगमेंटेशन सर्जरी में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।